मीडिया पर पाबंदी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया पर पाबंदी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लो, संज्ञान लो, संज्ञान लो। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लो, संज्ञान लो, संज्ञान लो। मीडिया पर पाबंदी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सब 500 रुपए ले सूची में हमारा नाम तो है ना, विषय नहीं है। संबंधित प्रकाश रख लगवा, हट उठाओ बेटा, बाहर नीचे वाले जो हमें करना, मुख्यमंत्री जी नहीं छपना चाहते, नहीं छापेंगे। प्रमोद कृष्ण नहीं चाहते, और सच्चाई देखना चाहते, सच्चाई दिखा सकते। ये रात में बता दिए होते हैं, बहुत चीजें हैं यहां पे। सुबह 8 बजे हम लोग आए हुए हैं, खड़े हैं। क्या वजह है, क्या कारण है? संभल के हैं चोड़ा कंबो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम है, और जिला प्रशासन ने एक दिन पहले अवगत कराया था कि पत्रकारों को पास निर्गत किए जा रहे हैं। सभी लोगों से फोटो लिए गए थे। इसके बाद सुबह जब कार्यक्रम स्थल पर आए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको भी अंदर एंट्री करा दी गई। जो कल्की धाम के लोग हैं उनको भी एंट्री करा दी। 500-700 लोग सब अंदर कार्यक्रम स्थल में हैं। मुख्यमंत्री आ चुके हैं, इसके बाद भी मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, और इसके साथ ही कोई वरिष्ठ अधिकारी फोन भी उठाने को तैयार नहीं। तो जाहिर तौर पर ऐसा कुछ है जिससे प्रशासन छुपाने का प्रयास कर रहा है, और इसीलिए ये सब किया जा रहा है। पूरा मीडिया प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, जो बाहर के लोग भी हैं वो भी इस टाइम बाहर हैं। फिलहाल जिस तरह से यहाँ का जो प्रशासन ने पास इशू नहीं किए हैं, सूचना अधिकारी अंदर है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। कई बार लापरवाही की गई है, इससे पहले भी उन पर कई आरोप लगे हैं, लेकिन आज आखिर ऐसा क्यों है कि जो इस कार्यक्रम में क्यों कवरेज नहीं किया जा रहा? क्या वजह है? क्या शहर में संभल में कुछ ऐसी कमी है जो प्रशासन छुपाना चाहता है, या हम उनको तक सवाल पहुंचाना चाहते हैं? ये सारे सवालिया निशान हैं, लेकिन आज के बाद प्रशासन या जिस तरह से कल के महोत्सव के कार्यक्रम में वो अलर्ट हो जाएं और हम भी अपना कलम तोड़ देंगे। क्या वजह है जो कि जाने नहीं दिए? बड़ा मीडिया का दुर्भाग्य कि आज मीडिया को ये दिन भी देखना पड़ रहा है आज, क्योंकि कुछ कमियाँ हैं जिला प्रशासन की, वो या छुपाना चाह रहा है। वरना आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को मीडिया को रोका गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। कम से कम मैं 20-22 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और ये मीडिया इस चीज़ को आगे भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी यदि ऐसा रहा तो उसका भी विरोध कर सकता है। देवल जी बात कर रहे हैं, उनको करने दो। नहीं मैडम, 800 रुपये मतलब नहीं। अच्छा ये बताओ, जाके अब करोगे क्या? करना क्या है वहाँ जाके?